हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है ना मैडम के साथ इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीख के? आज हम लोग को मैडम एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे, ठीक है? चलिए, नमस्ते मैडम। हेलो दीपा। हेलो मैम। एंड अभी हम लोग एक शब्द से दो और तीन और चार शब्द को जोड़कर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है? बहुत लग रहा है मैडम। सबसे अच्छी बात ये है ना मैडम कि आजकल दिन प्रतिदिन सब लोग इंग्लिश का बहुत यूज करते हैं, और जो लोग इंग्लिश का यूज करते हैं ना, तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लगता है हम भी ऐसा बोले। क्यों फ्रेंड्स, लगता है ना? हाँ। अब बिल्कुल बोलेंगे। बस कुछ नहीं, अपने जो आप हिंदी बोलते हो उसमें एक एक वर्ड रोज बढ़ाते जाइए अपने सेंटेंस में, तो एक दिन आपका पूरा हिंदी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस इंग्लिश बन जाएगा। तो आज लगता है मैडम आप जो है हम लोग को छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाना है। कोशिश तो यही रहेगी। वाक्यांश, फ्रेजेस, या ठीक है, ओके। सो कितनी बढ़िया सूझ है यदि हमें बोलना रहता है, किसी की तारीफ करनी है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी को अपना बनाना है तो आपको ट्रिक्स तो पता ही है, पहले उसकी तारीफ करनी है, तो कितनी अच्छी सूझ है ऐसा बोलना है। तो आप इसको ना, कितनी अच्छी सूझ है को, व्हाट ए गुड आइडिया सर जी, वो तो वोडाफोन का मालूम ही है। व्हाट ए गुड आइडिया सर जी, गुड आइडिया भी बोल सकते हैं। व्हाट ए गुड थॉट, सूझ के लिए थॉट भी बोल सकते हैं। What a good thought, what a wonderful thought, मतलब आपको जो भी अच्छे adjectives होंगे, अच्छे words है, जैसे wonderful, good, beautiful, nice, good idea तो बहुत common सा है, सब कोई बोलता ही बोलता है। तो यहाँ पे wonderful, बढ़िया, बढ़िया is wonderful, नहीं तो what a very good thought it is। वंडरफुल बोल सकते हैं, नाइस बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। कितनी के लिए? व्हाट ए नाइस थॉट, व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट, व्हाट ए गुड थॉट, व्हाट ए गुड थॉट, कितना भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी, जैसे ये पर्यायवाची। तो अपनी इंग्लिश को और भी अच्छा बनाना है तो जो भी आपको इजी लगता है उसमें जो याद आता है बोल सकते हैं। व्हाट ए गुड थॉट, व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट, व्हाट ए गुड वे टू एक्सप्लेन दीपा। चलिए मैडम, बहुत बार होता है कि हमें बताना है कि मुझे पता है, बहुत बार लोग बहुत बताते रहते हैं तो हमें बोला नहीं मुझे पता है, उसके लिए बताइए। आई नो। ओके, फर्स्ट आंसर था हाँ हाँ या या मुझे पता है, मुझे इसके बारे में ज्ञान है, मुझे इसके बारे में ज्ञान है। अवेयर इज बिगर वर्ड देन आई नो, तो आप बोलेंगे हाँ आई नो, आई नो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें फिर क्या बोलना है, गहराई से अच्छे से पता रहता है, तब वहाँ पे आई एम अवेयर बोलेंगे, अदरवाइज आई नो। ऐसा है मैडम? हाँ मैडम। ओके ओके ओके, का मतलब है वो भी। हाँ, एक हमें बोलना है मैडम, किसी को बुलाता है अपने घर आओ, हमें बोलना है बेशक जरूर जरूर आएंगे। ओके, इसके लिए इंग्लिश में हम एक तो बोल सकते हैं, बेशक का लिटरल ट्रांसलेशन है विदाउट ए डाउट। शक का मतलब है डाउट, बे जब आप लगाते हो विदाउट अ डाउट जरूर, विदाउट ए डाउट। हाँ, तो अगर आपको इतना बड़ा वर्ड नहीं यूज करना है, श्योर श्योर ऑफ कोर्स सर्टेनली, जैसे ये बोल रही है दीपा कि आप बेशक हम आपके घर आएंगे, आई विल श्योरली कम टू योर हाउस, श्योरली आएंगे आपके घर, सर्टेनली आएंगे आपके घर, ऑफ कोर्स आएंगे आपके घर। हाँ, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, श्योरली, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, बेशक के लिए। अब बेशक नहीं बोलना है, क्या बोलना है? जो इजी लगे वो बोलना है। बहुत बढ़िया। तो मैडम यदि हमें बोलना है, ज्यादा से बोलते हैं कल मिलेंगे, कब मिलेंगे, एक तो बोलेंगे सी यू। हाँ, ऐसे क्योंकि बाय बोलने के बाद इट इज लाइक एंड, दी एंड जैसा है, तो एंड नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फिर मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे बाय बाय, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। हाँ,
नहीं तो सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे। अगर आपके पास कोई टाइम है बोलने का तो फिर आप वो वाला टाइम बोलेंगे, हाँ सी यू ऑन ट्यूसडे, सी यू नेक्स्ट मंडे, ठीक है, नहीं तो बाय बाय, सी यू सून। हाँ तो फ्रेंड्स दो चीज याद रखिए, जल्द मिलेंगे, सी यू सून, लेकिन आपको पता है कि कल ही मिलने वाला है तो सी यू टुमारो, फिर मिलेंगे कल, फिर मिलेंगे सी यू टुमारो, जल्द मिलेंगे सी यू सून। जब आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख लोगे देन यू कैन से सी यू सून नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सी यू टुमारो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा है, आपको जो कम्फर्टेबल लगता है उसको ही देखिए, क्योंकि हम लोग स्पोकन देख रहे हैं, हमें यहाँ पर लिखना नहीं सीखना है, ठीक है। चलिए बहुत बार होता है मैडम कोई हमें बुला रहा है तो हम बोलते हैं वन मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा सा रुकने के लिए, तो फिर उसको कैसे बोले, तो एक के लिए वन है, हाँ मिनट के लिए तो मिनट है, तो आप बोलेंगे जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट, वन मिनट, नहीं तो आप बोल सकते हैं जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट भी बोलते हैं। अच्छा जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट, हाँ फिर आपने सेकंड भी सुना, दो सेकंड में आ रहा हूँ, बस पांच सेकंड में आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड बोल सकते हैं, जस्ट अ सेकंड भी बोल सकते हैं, जबकि मिनट और सेकंड में फर्क है, बट बोलते हैं, बोलने का मतलब इतना है कि बस जल्दी आ रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मैं आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू यू, या तो तो फ्रेंड्स इस चीज को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड, इसे तुरंत आना है आपको, तो जस्ट अ मिनट ऐसे भी बोलते हैं, आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक बोलते हैं, अच्छा आई विल बी राइट बैक, जस्ट तुरंत, हाँ फ्रेंड्स मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, हाँ देख लीजिए इसको भी देख लीजिए फ्रेंड्स, हमें सीखना है अच्छी तरह से, आई विल बी राइट बैक। अभी ये जो WhatsApp और SMS चला है ना, इसके चलते तो अभी सेंटेंस और वर्ड्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्रोनिम यूज कर रहे हैं, जैसे BRB, क्या होता है BRB, बी राइट बैक, मतलब इतना टाइम भी नहीं कि हम लिखेंगे आई विल बी बैक राइट नाउ, तो BRB, लेकिन फ्रेंड्स जब लोग बोलेंगे तो पूरा ही बोलना पड़ेगा, BRB बोलने से फिर तो कुछ और नहीं, नहीं जब वो बोलना सीख लोगे ना तब आप BRB भी बोलोगे, रिटिना भी बोलोगे, IDK बोलोगे, IDK का क्या मतलब है, आई डोंट नो, तो वो एक अलग ही लैंग्वेज है, आई विल बी राइट बैक, तुरंत जाके तुरंत आना था आई विल बी राइट बैक। अब मैडम हमें बोलना है संभल कर, Careful. Go carefully, come carefully, stay carefully, read carefully, मतलब कोई दवाई के इस पे इंस्ट्रक्शन लिखा हो या आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है तो रीड केयरफुली। मैडम तो आप केयरफुली भी बोल सकते हैं क्या, हाँ थिंक एंड टॉक, टॉक केयरफुली, यदि कोई उल्टा पलटा बोलता है तुरंत बोलिए टॉक केयरफुली, माइंड योर लैंग्वेज, टॉक केयरफुली, थोड़ा गुस्सा करना भी सीखना है, और गुस्सा करना है तो माइंड योर टंग, माइंड जबान संभाल के, माइंड योर टंग सीखना है क्या फिर, चलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यदि कोई ज्यादा ही कुछ बोल रहा है तो बोलना है हमें माइंड योर टंग, जवान वैसे कम ही यूज करना है, क्योंकि आप एक लैंग्वेज इसीलिए भी सीख रहे हो ताकि आप किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, तो ये तो सब थोड़ा बैड वर्ड्स हो गया ना, लेकिन मुझे जानना है, जानना है, जानने में क्या है, माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, ये सब किसके लिए प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, जवान संभाल कर बात करो, ठीक है, उसके लिए गुस्से में, ठीक है ना, तो संभाल कर केयर, यदि हमें बोलना है कोई व्यक्ति चिंतित है चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता इज वरी, हाँ डू नॉट वरी इज द करेक्ट वे टू से इट, बट फ्लो में डोंट ही बोलते हैं, डोंट बोल सकते हैं, हाँ डोंट वरी, हाँ डोंट वरी, देखिए हमें लिखा डू नॉट वरी लेकिन एक चीज में डोंट है, ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी फ्रेंड्स, सब लोग इंग्लिश सीख जाएंगे कोई बात नहीं, चलिए तारीफ करके सीखे, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर इज ब्यूटीफुल, बहुत इज वेरी, अगर आपको बोलना है बहुत बहुत सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, प्रीटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाँ प्रीटी भी यूज कर सकते हैं, आपने यहाँ सुंदर लिखा है तो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी, सो प्रीटी, तो इस तरह के फ्रेंड सीखने हैं, एक बिल्डिंग को हम प्रीटी नहीं बोलेंगे, एक पर्सन को ही हम प्रीटी बोलेंगे, लेकिन बिल्डिंग को भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, दीपा को भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं,
आपको तो हम बोलेंगे ही ब्यूटीफुल, तो मैडम हम लोग ब्यूटीफुल और प्रीटी दोनों बोल सकते हैं। चलिए अब मैडम में कहना है बहुत दुख की बात है, बहुत बुरा लग रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात, इट इज वेरी सैड, सिंपली बोलना है तो इट इज वेरी सैड। देखिए वेरी है ना भी आ गया, बहुत वेरी सैड हाँ, ए मैटर ऑफ सैडनेस दोनों की बात है ना, तो मैटर ऑफ हाँ, इसीलिए इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो, सैडनेस सोरो भी बोल सकते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो या इट इज वेरी सैड कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको इजी लगे, वेरी सैड मतलब वेरी सैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सोरो, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो, बहुत दुख की बात है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए किसी की तारीफ करनी है तो क्या बोलना है, बहुत अच्छी सूझ है, यदि हमें ऐसा करना है बहुत अच्छी सूझ है, इट इज अ वंडरफुल आइडिया, इट इज अ गुड आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इट इज ए नाइस आइडिया, इट इज ए एक्सीलेंट आइडिया, इट इज ए गुड आइडिया, इट इज ए वंडरफुल आइडिया, किसी की तारीफ करनी है कितनी अच्छी सूझ है तो बोल सकते हैं, संभल कर जाओ, गो केयरफुली, गो केयरफुली, देखिए गो केयरफुली, संभल कर जाओ, यदि हमें किसी को कहना है पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए क्यों, फर्स्ट रैंक आ गया इनका इसीलिए पार्टी लग गई हाँ। इसीलिए पार्टी चाहिए, सो वांट अ पार्टी, यार पार्टी कहाँ दे रहे हो, वो तो हम बोलते ही है ना, और ग्रुप में बोल सकते हैं वी वांट पार्टी, वी वांट पार्टी मतलब हमें पार्टी चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा वी वांट पार्टी, हमें पार्टी पार्टी चाहिए ऐसा तो बहुत यूज होगा फ्रेंड्स, अब इस तरह से यूज करिए। ठीक है यदि हमें बोलना है मैडम किसी को कुछ ज्यादा उल्टा पलटा कोई बोल रहा है, बिल्कुल मत बोलो, जस्ट डू नॉट स्पीक, ऐसे ही मत बात करो, ठीक है बिल्कुल भी मत बात करो, मैं डोंट स्पीक एट ऑल वो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बात मत करो मतलब डोंट स्पीक एट ऑल, एट ऑल बिल्कुल नहीं, जस्ट डोंट स्पीक, ऐसे ही बात मत करो हाँ। तो फ्रेंड्स आप ना पेन कॉपी तो रखिए साथ में, लिखते भी जाइए, क्योंकि हम एक एक वाक्य के लिए चार चार पांच पांच वाक्य बता रहे हैं ना, उसको लिखते भी जाइए, जैसे बिल्कुल मत बोलो तो मैडम एक बोली जस्ट डू नॉट स्पीक बोली, फिर डोंट स्पीक एट ऑल ये भी बोली, ठीक है ना, यहाँ पे सब तो लिखा हुआ नहीं है ना हाँ। तो उसको भी लिख लीजिए डोंट स्पीक एट ऑल, थोड़ा उसको गुस्से में अगर बोलना है उफ शट अप यार, शट अप ऐसे मत बोलो, मतलब वो बहुत रूड लगता है, और कोई भी लैंग्वेज सीखने वाला रूड भाषा क्यों सीखे है ना, तो कभी कभी ओफ ओ, जैसे आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है या आपका छोटा भाई है या बहन है उसको ओफ शट अप, लेकिन शट अप बुरा ही लगता है, फ्रेंड्स उसको मत ही बोलो, चुप रहो बोलते हैं ना हाँ, ओफ शट अप हाँ, सेटअप सब बुरा ही लगता है, बट सेटअप भी एक वर्ड है हाँ, जान लीजिए, लेकिन बहुत गुस्सा लगता है कोई बोलता है तो है ना, लेकिन मान लीजिए कभी कुछ ज्यादा लगे कि पानी सिर से बाहर जा रहा है तो सेटअप कर दीजिए, ओह सेटअप हाँ, सब कर दीजिए तो ऐसे टर्न करके सेटअप। चलिए एक और फ्रेंड्स, भगवान को याद भी कर रहे हैं तो चलिए हम अंग्रेजी में याद करते हैं, ठीक है ना, हे प्रभु हे भगवान, चलिए यदि हमें कहना है कहीं पे गए हमें कहना है जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, विल श्योरली कम, विल श्योरली कम, विल डेफिनेटली कम, विल सर्टनली कम, श्योरली सर्टनली डेफिनेटली पक्का पक्का। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी यहाँ पे ना विल कम, बस दो चीज को याद रखना है, विल कम जरूर आएंगे, विल कम आएंगे, ठीक है विल कम आएंगे, अब उसके बाद श्योरली डेफिनेटली सर्टेनली सब आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है इसको भी यूज कर सकते हैं, विल कम ये दो चीज जो है ये हमें याद ध्यान रखना है, विल कम बस ये दो चीज को लेकर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, विल कम मतलब आएंगे, विल कम मतलब हो गया आएंगे, विल कम फिर विल श्योरली कम जरूर आएंगे, विल डेफिनेटली कम
जरूर आएंगे, विल सर्टेनली कम, जरूर आएंगे, सबका मतलब एक ही होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगे वीडियो, है ना यूजफुल? तो फ्रेंड्स आप कोशिश करिए ना कि ये छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हम रोज करें, ताकि हम भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकें, ठीक है फ्रेंड्स। लिटिल लिटिल वर्ड्स यू कीप यूजिंग, यू विल लर्न इंग्लिश वेरी सून। थैंक यू मैम, फिर मिलता है फ्रेंड्स, बाय बाय।